नमस्कार, मैं हूं राजा गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, 30 अगस्त से जो है अबुआ आवास योजना के तहत नया आवेदन होने वाला है, और ये जो आवेदन है आपका पंचायत में कैंप लगाकर कराया जाएगा। जो पहले कैंप लगाया जा रहा था आपकी सरकार, आपके द्वार और आपकी योजना, ये जो कैंप पहले लगाया जा रहा था वो कैंप फिर से लगने वाला है। 30 अगस्त से कैंप शुरू होगा और 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आप जाकर अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर झारखंड में अन्य कोई भी योजना चलाई जा रही है तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन जब कीजिएगा, जैसे अबुआ आवास योजना का आवेदन कीजिएगा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में इस वीडियो पे संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, साथ में इससे जुड़ा हुआ और जो भी अपडेट है वो भी मैं इसी वीडियो पे आपको दे दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो भी अपडेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। और आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जो है एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप अबुआ आवास योजना 2024 के लिए नया आवेदन करना चाहते हो तो उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, आपने अगर पिछली बार अबुआ आवास योजना में अप्लाई किए हैं और अगर आपका नाम छूट गया है, जो लिस्ट आया था पूरे पंचायत का जिसमें जो भी व्यक्ति का नाम छूटा है, तो वो लोग ही इसमें आवेदन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें आवेदन करने के बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर वहां से लिस्ट आएगा, फिर आपको आगे जाकर अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह योजना में आवेदन करने के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में ले जाना है ताकि आप लोगों को आवेदन करने में कोई असुविधा ना हो। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड है, लेकिन इससे पहले आपको एक अबुआ आवास का फॉर्म भी लेना होगा। जो कि आपको कोई भी योजना में आवेदन करने के लिए जाते हो तो उसका फॉर्म लेना पड़ता है। अगर आप यह फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा है, मैसेज कीजिए कि मुझे अबुआ आवास योजना का जो 30 अगस्त से आवेदन होगा कैंप लगाकर आपके सरकार आपके द्वार पे, आप लिखकर मैसेज कीजिए मुझे इसका फॉर्म चाहिए, मैं आपको वो फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा। फिर फॉर्म को भरने के बाद आपको इसमें जो है आधार कार्ड को अटैच करना है, आधार कार्ड के साथ आपको राशन कार्ड को अटैच करना है, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, सभी का जेरोक्स देना है। फिर आपको बैंक पासबुक का जेरोक्स देना है, आपको जो है जाति का जेरोक्स, निवासी का जेरोक्स देना है, फिर आपको अपना जमीन का पर्चा का भी जेरोक्स देना है, फिर आपको जो है इसमें पासपोर्ट साइज फोटो देना है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका लगेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मैं बोलने में भूल गया हूँ तो वो सारा कुछ मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपका बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, इसमें जो है आपका कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि ये सब लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते समय ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी सारे लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और इसके योजना का जो गाइडलाइन आता है इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ रहता है। तो मैं इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लिख दिया हूँ आप ये सब लेकर जाइएगा। अगर इसमें कोई और डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाकर इसमें बताऊंगा, साथ में फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आवेदन करने के बाद रिसीविंग लेना है, उसके बाद क्या क्या करना है, जो भी अपडेट आएगा आपको मैं आगे वीडियो पे बताता चला जाऊंगा। लेकिन अभी का जो अपडेट है वो यह है कि 30 अगस्त से 15 सितंबर तक जो है आपका पंचायत में कैंप लगेगा, और आप जाकर इसमें आवेदन जरूर से जरूर कीजिएगा। चाहे अबुआ आवास योजना में आवेदन कीजिए या कोई अन्य योजना में आवेदन कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे जो है अपने सभी रिश्तेदारों तक फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।